The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, what is the treatment of tonsillitis? Abhi humne hai, right? Uh ke tonsillitis, hotakya hai, kasi hota hai. कैसे प्रिवेंट होता है किससे होता है सीन ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या है टॉन्सिलाइटिस का एज आई सेड ट्रीटमेंट कैन बी टू थिंग्स आप होम ट्रीटमेंट कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो एक्चुअल मेडिकल मैनेजमेंट ना लेट्स टॉक अबाउट द होम ट्रीटमेंट देखो टॉन्सिलाइटिस हमने आपको ऑलरेडी बताया है वायरस से हो सकता है बैक्टीरिया से हो सकता है सो एट होम जो आप कर सकते हो वो सारी चीजें मेक श्योर हो सकता है बच्चों को ज्यादातर होता है टॉन्सिलाइटिस सो बच्चों को कंफर्टेबल और रिकवरी प्रमोट करने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार जो वायरस होता है अगर वायरस होता है उसका एक्सपेक्टेशन कि वायरस के वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो दिस इज दी ओनली ट्रीटमेंट कंफर्टेबल रखना और और अपनी रिकवरी प्रमोट करना ही ट्रीटमेंट है इसमें कायदे से कोई एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है और सात से दस दिन में बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा वायरल टॉन्सिलाइटिस वायरल सोर थ्रोट सात से दस दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा बच्चे को या बड़ों को जिनको भी हो रहा है उनको करना क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्ट एनकरेज प्लेंटी ऑफ रेस्ट प्लेंटी ऑफ स्लीप जितना रेस्ट उतना अच्छा राइट right? uh, एडिकुट फ्लूड्स फ्लूड्स बहुत जरूरी है पानी खूब पीना है राइट गिव योर चाइल्ड यदि बहुत ज्यादा पानी पिलाना है और ताकि गला ड्राई ना हो गला मॉइस्ट रहे और डिहाइड्रेशन ना हो इवन इफ फीवर इज थोड़ा बहुत फीवर हो रहा है तो भी फ्लूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई फूड जो भी फूड कंफर्ट लगता है गले में जैसे वॉर्म फ्रूड थोड़े एकदम हॉट नहीं एकदम कोल्ड नहीं वार्म फूड जैसे कोई सूप कोई ब्रॉथ ऐसी चीजें वार्म वाटर हनी वार्म गर्म पानी में हनी डाल के ऐसे चीजें कर सकते हो राइट right? और आ, कुछ कुछ कई बार अगर आ, कैफीन फ्री टी भी ले सकते हैं कैफीन फ्री टी किसी को चाय से आराम होता है गर्म अदरक वाली चाय भी पी सकते हो थोड़ी बहुत कैफीन बहुत ज्यादा नहीं लेना है वरना नींद नहीं आएगी है ना तो नींद भी जरूरी है और कैफीन बहुत ज्यादा नहीं लेना है तो फिर अदरक ज्यादा चाय का पत्ती कम दूध ज्यादा ऐसे कर सकते हो वट यू लाइक सो दिस इज यू कैन डू देन Uh, एक सॉल्ट वाटर नमक पानी के गरारे कर सकते हो जी हाँ दैट इज ओके दैट इज नॉर्मल उसमें बेसिकली आप एक एक चम्मच आपका शक्कर ले लो और बिल्कुल एक चुटकी भर नमक ले लो पानी में थोड़ा वार्म वाटर में उससे गरारे करो गरारे करके बात कर सबको पता है कैसे करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एयर की ह्यूमिडिटी जो अगर आप एक यू वुट यू कैन यूज एज अ कूल एयर ह्यूमिडिफायर क्योंकि ड्राई एयर होती है वो और चुभती है ड्राई एयर इज अगेन इरिटेटिंग टू द थ्रोट सो आप अपने बच्चे को या तो स्टीम दे सकते हो एयर ह्यूमिडिटी स्टीम से हो जाएगी तो स्टीम आप इनहेलेशन या स्टीम बाथरूम में रख के या कूल एयर ह्यूमिडिफायर ले सकते हो रूम को ही पूरा वो ह्यूमिड कर देगा ये तीनों ऑप्शन अच्छे हैं इसलिए स्टीम दिन में तीन बार लेना बहुत अच्छा है इसके अलावा लॉस ले सकते हो सोर्थ थोर थ्रोट में एक लोजेंजल uh, को सक करने से मीठे के आपके ड्राइनेस अवॉइड होती है uh, जो सकिंग रिफ्लेक्सेस हैं या कह लीजिए मॉइस्चर आता है तो सोर थ्रोट में आराम मिलता है यही चीज आप गले में मुलेठी रख सकते हो मुलेठी से भी यही काम होता है थोड़ा सा मुलेठी लेके वेरी गुड थिंग है सो uh, ऑलिन so जैसी चीज भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस आप यू कैन देन अवॉइड इरिटेंट्स कोई भी इरिटेंट है वो गले में नहीं डालना है जैसे कि इसके सिगरेट स्मोक ऑब्वियसली बड़े सिगरेट पीते हैं गलतराट कॉन्सिलाइटिस मत करो वो नहीं रखना है अगेन धूल मिट्टी से बचाना है बच्चों को बड़ों को धूल मिट्टी अगेन अगर अंदर जाएगी तो दिक्कत है बाहर अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तो क्या पहन के जाएं? मास्क मास्क पहन के जाएं फीवर है किसी भी प्रकार का या पेन है तो उसको थोड़ा ट्रीट करना पड़ेगा उसके लिए डॉक्टर से दी गई सिंपल पेन किलर्स आपका पैरासिटामोल एबुप्रोफिन या ऐसी कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं वो फीवर लो ग्रेड है तो भी उसमें आप सिंपल पानी पिलाएं ज़्यादा फीवर है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं कुछ बीमारियों में बच्चों को एस्पिरिन वैस्परिन नहीं देनी चाहिए इसलिए एस्पिरिन अवॉइड ही करो एस्पिरिन डिस्प्रिन अवॉइड करो वो अच्छा नहीं होता है पैरासिटामॉल अवॉइड पैरासिटामॉल ले सकते हैं और ब्रूफिन ले सकते हैं दैट इज समथिंग यू कैन डू टैलिनॉल ऑल अब आया बात एंटीबायोटिक्स की सो so, अगर वायरस के वजह से है तो, तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं कायदे से मगर किसको पता वायरस की है कि बैक्टीरिया की है इसलिए कई डॉक्टर वैसी दे देते हैं कि भाई खा लो कुछ नहीं होता एंटीबायोटिक अब 25 बार खा खा के खा खा के वो रेजिस्टेंट हो जाता है जो अंदर पड़ा वायरस बैक्टीरिया है वो भी सो इफ इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन तभी एंटीबायोटिक देना चाहिए वायरल में नहीं देना चाहिए टेक्निकली द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन क्लेवोलिनिक एसिड समथिंग लाइक दैट राइट ये वाले अच्छे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के लिए टॉन्सिलाइटिस जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए है वो बहुत और दूसरे भी कई सारे ऑल्टरनेटिवस आते हैं जैसे कि जो एजिथ्रोमाइसिन लिवोफ्लोक्सासिन ऐसी दवाइयाँ भी काफ़ी कॉमनली चलती हैं रक्सिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन ये सब चलती हैं सो so यस yes, एंटीबायोटिक्स के डोसेज हम यहाँ नहीं बताने वाले हैं क्योंकि डोसेज वेट के हिसाब से एज के हिसाब से हेल्थ के हिसाब से डिपेंड करती हैं सो डोसेज जो दी जाती है डॉक्टर के बारा दी जाती है डॉक्टर के पास जाइए डोसेज लीजिए अपने डोसेज करिए ऐसा नहीं है कि एक को जो डोज दी दूसरे को वही चलेगी किसी के लिए ज़्यादा हो जाएगी किसी के लिए कम हो जाएगी सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करें एंटीबायोटिक का अगर शुरू किया ऐसा नहीं कि एक गोली खाई कल अच्छा लग रहा है अब मैं नहीं खाऊंगा नो no. अगर सात दिन का दिया तो सात दिन लेना है तीन दिन दिया तो तीन दिन लेना है वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड मस्ट टेक द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इवन इफ द सिम्टम्स गो अवे वरना नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी ये बात याद रखना रेजिस्टेंट हो जाता है नॉट कम्प्लीटिंग कोर्स इज वेरी वेरी बैड इवन फॉर योर बॉडी राइट देन सर्जरी ऑपरेशन क्या चीज है भाई, क्या बला है ऑपरेशन <coughs> करा लो मेरी बार बार टॉन्सिल खराब हो रही है भाई, टिक्टॉमी फ्रीक्वेंटली रीअकरिंग रेजिस्टेंट टॉन्सिलाइटिस के लिए की जाती है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए की जाती है या बैक्टेरियल टॉन्सिलाइटिस विथ कॉम्प्लीकेशन विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उनके लिए की जाती है ना <coughs> फ्रीक्वेंट क्या मतलब रेजिस्टेंट क्या मतलब क्या मतलब अगर आपका एक साल में मोर देन सेवन एपिसोड हो चुके हैं सात बार से ज्यादा साल भर के अंदर टॉन्सिलाइटिस हो चुका है देन इट इज फ्रीक्वेंट या फिर मोर देन टू देोड हो गए हैं इन अयर इन ईच ईयर और आखिरी दो साल में पांच बार हुआ है आखिरी दो साल में हुआ है तब तो भी करा सकते हो या फिर अगर तीन साल में हर तीन, तीन 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 बार हो रहा है हर साल तीन बार होता है और तीन साल तीन साल हो गए हर बार हो रहा है तब भी करा सकते हो सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी अगर कहते हैं अगर साल भर में तीन बार हो गया फिर छूट गया तो छोड़ दो फिर नहीं करना सो ये एक एक, एक पैरामीटर दिया गया है अब टॉन्सिलेक्टॉमी जो है ये हा, आ, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तब कर जा, करनी पड़ जाती है कैसा कॉम्प्लिकेशन ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ऐप नहीं आ की खराटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और रात को नींद टूट टूट जा रही है दिन भर सोते सोते सोए सोए रह रहे हैं और सोलोइंग प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर एंटीबायोटिक लेते हुए भी ठीक नहीं हो रहा और वहां एप्स सब बनने लगा है तो वहाँ पस की गाढ़ बन रही है तब जरूरत पड़ जाती है सो so रिमेंबर या फिर और डिफिकल्टी सॉलिंग होती है चंकी फूड्स पे चंकी चंकी फूड जो जैसे नॉनवेज हो गया या दूसरी चंकी फूड खाते हैं सो टॉन्सिलेक्टॉमी इज यूजली डन इन एन ओपीडी बेसिस आपको पंद्रह थोड़ा टाइम लगता है ओपीडी केसेस पे टॉनसेलेक्टॉमी हो जाता है अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तब फिर कोई कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है तभी फिर उसको सर्जरी uh, की जरूरत पड़ जाती है ना सीरियस सर्जरी वना एक छोटा ओपीडी प्रोसीजर है छोटा सा टॉन्सिलेक्ट टॉमी है फट से टॉन्सिल कट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आती सो so, जिस दिन ऑपरेशन किया जाएगा उसी दिन आप घर चले जा पाओगे उसी दिन कोई दिक्कत नहीं है और चौदह दिन के सात से चौदह दिन के अंदर कंप्लीट रिकवरी हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आप जाओ अपना अपना टेस्ट कराओ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो पहले होम होम केयर होम ट्रीटमेंट चालू कर लो अगर होम ट्रीटमेंट से आपको लग रहा है कि नहीं आराम हो रहा है देन यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू गेट इट ऑपरेटेड राइट वो ऑप्शन लास्ट है आपका और उसके अलावा मिक्स्योर sure आपकी लाइफ में कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स हों आपकी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो पर ठंडे नहीं खाने फ्रिज से निकाला खाया तो ठंडे और खट्टी चीज़ों को अवॉइड करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईट अलॉट ऑफ वाइटामिन सी वी ट्वेल्व वोमेगा थ्री वो सही रखने में आपके वायरसेस के खिलाफ ज़्यादा एक्शन होता है तो पानी खूब पीने की आदत डालिए राइट right, गरारे करिए बीटाडिन गार्गल्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं जस्ट इक्वल टू एंटीबायोटिक्स सो बीटाडिन के गरारे करना बहुत अच्छी चीज़ है एंड दैट इज़ वन यू कैन डू तो थैंक यू सो मच गाइज आई होप दिस हेल्प यू एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एंड डोंट फर्गेट टू यू नो शेयर द वीडियोज सारे वीडियोज अच्छे से देखना है और दोनों uh, तीनों चीज़ें आपको समझ में आई अच्छी बात है सो मेक श्योर टू शेयर लाइक जरूर करना है थैंक यू शुक्रिया गुड नाइट